आदरणीय डिप्यूटी स्पीकर महोदय, आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्मान्य सदस्यों ने जो सूचनाएं की है और इसका समर्थन किया, इसलिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, मैं सबसे पहले आपको सदन में जो सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि आदमी आदमी को खींचता है, ये अमानवीय परंपरा है। और ये भी सच है कि आदमी साइकिल रिक्शा से चलाता है, ये तो चल रहा था, पर ये भी सच है कि देश में कुछ इलाके में आदमी अपने कंधे पर रखकर उसको चलाता था, इस प्रकार की भी स्थिति थी। और जैसे वीरेंद्र जी ने जो कहा, सम्मान्य सदस्य जी ने, कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पहले इसके खिलाफ आंदोलन किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसका समर्थन किया था। 1 करोड़ लोग अंदाजन देश में ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते या ई कार्ट, जो सामान बोझा उठाकर लेकर चलते या हाथ ठेला या जो चलाते, ऐसे लोगों की संख्या ऐसा अनुमान है। दिल्ली में 1 लाख ई रिक्शा है। अब इसके पहले साइकिल रिक्शा भी कुछ चलती है। और इसलिए इस कानून को करते समय मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं, जिसके कारण मुझे लगता है कि कहीं अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार की अगर गलत फहमी होगी तो निकल जाएगी। जैसे इस रूल में 2000 वैट का लिखा है और कानून में 4000 वैट का लिखा है। ये जो क्षमता है इसलिए लिखी है कि आज जो भी रिक्शे देश में चल रहे वो 2000 वैट के अंदर ही है। पर अगर कल अगर मेक इन इंडिया हुआ और इस टेक्नोलॉजी को चेंज करके अगर इसमें अच्छी रिक्शा बनेगी, तो मैंने अभी देखा है पुणे में एक ई ऑटो रिक्शा बना है और ई ऑटो रिक्शा इतना सुंदर बना है कि जो इलेक्ट्रिक पर चल रहा है, तो पेट्रोल के लिए अगर ई रिक्शा आएगा, ई ऑटो रिक्शा आएगा, तो नेचुरली उसकी पावर थोड़ी बढ़ानी होगी। हमारे एक मित्र है, कांग्रेस के ही नेता है, नागपुर के एमएलए थे, उन्होंने ऑटो रिक्शा को, पेट्रोल ऑटो रिक्शा को ई रिक्शा में कन्वर्ट किया, अनिसहमत करके वो मुझे लेकर आए थे। मैंने कहा मैं तुरंत आपको परमिशन दूंगा। तो धीरे धीरे ये अमानवीय प्रथा जो थी, इसको एनर्जी ड्रिवन करके ये प्रथा को समाप्त करना है। और चालक मालक यही व्यवस्था होगी। राज्य सरकार को हमारे समय हमने यही कहा कि जो चलाएगा उसी को लाइसेंस मिलेगा, ताकि कोई मालक इसको ले ले और किराए से दे दे और गरीबों का शोषण करे, ये ना हो। और इसलिए आपने जो भावना व्यक्त की, चालक मालक यही होगा। इसमें 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं, मुझे पता नहीं, पर आप जैसे 3 लोग तो आराम से चले जाएंगे, कोई अड़चन नहीं होगा। और अगर 2000 वैट में नहीं होगा तो हम 2500 वैट को परमिशन देंगे आपके लिए। जो परमिशन के लिए, इसीलिए बिल में हमने 4000 वैट की मंजूरी लेकर रखी है, पर रूल्स में अगर ऐसा लगता है कि आप जैसे 4 लोग जाने में अड़चन आएगी तो बड़ी बड़ी मोटर लगाने के लिए सोचेंगे, चिंता मत करिए। इसमें 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका लोड जो है, वेट है सामान, वो 40 kg और इसकी अधिकतम गति 25 km/h है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा। पहली बात तो ऐसी कि जब मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री बना तो मैंने ये मोटर व्हीकल एक्ट में ये जो ई रिक्शा था इसको निकालने का निर्णय किया। और मैंने कहा कि इसकी तुलना साइकिल रिक्शा से होनी चाहिए, गरीब आदमी कहाँ लाइसेंस लेगा, कहाँ परमिशन लेगा, इसको क्यों तकलीफ देना है। तो एक निर्णय लिया कि भाई इसको मोटर व्हीकल एक्ट से निकाल दिया। ये निकालने के बाद हमने जो निर्णय किया उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस चली और हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपने इसको मोटर लाइसेंस, इसे 1988 मोटर व्हीकल एक्ट से निकाल दिया है, तो ई रिक्शा के कारण कल अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका इंश्योरेंस का क्या होगा। उन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए। तब मैंने हमारे सरकारी वकील को पूछा कि जब साइकिल रिक्शा में एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, तब कभी इंश्योरेंस का सवाल नहीं आता। तो गरीब आदमी के पीछे इतने सब बातें कहां लगानी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश हाईकोर्ट ने इसको प्रतिबंध ला दिया और इसलिए ये रिक्शा चलाना बंद हो गया। और इसलिए हाईकोर्ट ने बाद में ऐसा निर्णय दिया कि आपको अगर इसको अनुमति देनी है तो इसको मोटर व्हीकल एक्ट में लाओ। अब मोटर व्हीकल एक्ट में लाना है तो इतनी तकलीफें थी कि कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस जो होता है, पहले 1 साल के लिए लर्निंग मिलता है,
फिर एक साल के बाद परमानेंट मिलता है। अब ये ई रिक्शा वाला एक साल लर्निंग पे कहाँ चलेगा और इसको परमानेंट कैसे मिलेगा, तो लाइसेंस का प्रॉब्लम आया। फिर उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में था कि आठवीं पास होगा उसी को लाइसेंस मिलेगा। अब ये बेचारा कोई स्कूल में गया नहीं है, मजबूरी करके ई रिक्शा चला रहा है, ये आठवीं पास का सर्टिफिकेट आएगा तो वो बेचारा क्या करेगा। अब ये दोनों एक्ट को सुधारने के लिए हमने बिल लाया। अब बिल लाने के बाद आपने उसको मंजूरी भी दी और इसके कारण ये मामला क्लियर हुआ। मैं सन्मान्य सदस्यों को विश्वास देना चाहता हूं कि हमने सुरक्षा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसमें 16 ऐसी बातें हैं जिसको हमने निकषों के आधार पर रेक्टिफाई किया। आपकी बात सही है कि अगर डुप्ले माल अगर ठीक नहीं बनेगा, रिक्शा ठीक नहीं बनेगा, एक्सीडेंट हो गए तो सुरक्षा के लिए अड़चन आएगी और इसलिए यह उलट भी जाता है। और इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज इसके टेक्निकल जो संस्था थी उसमें अपने प्रोटोटाइप डिजाइन की एक उन्हीं को मान्यता देने का निर्णय किया। अब प्रॉब्लम आया कि ये प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार किए तो इसको मान्यता कौन देगा? ARAI देगा पुणे में। अब मुझे बताइए कि जो दिल्ली में ये छोटे छोटे लोग, अभी इसका चाइना से आ नहीं रहा है, अभी ये पूरा मेक इन इंडिया हो गया, इसकी अनेक फैक्ट्री खुल गई है और सब बातें अब देश में तैयार हो रही है, पर ये बनाने वाले लोग कौन है? ये छोटे छोटे लोग हैं। अब ये स्वाभाविक रूप से एक बात सच है कि ये मोटरसाइकिल कंपनी के जो पार्ट्स है, एक्सल्स है, जो लुधियाना में बनते हैं, वो लाते हैं एक्सल इधर और मोटरसाइकिल के और उसके एक्सल को जोड़ जाड़ करके ई रिक्शा बनाते हैं। फिर हमारे डिपार्टमेंट में जब हमने स्टैंडर्ड्स के लिए कहा तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा, एक एक पार्ट स्टैंडर्ड्स इनको मैन्युफैक्चरिंग नया करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तब मैंने टेक्निकल टीम को बुलाया और मैंने कहा एक एक पार्ट अगर स्टैंडर्ड का तैयार होगा तो आज 70,000 का रिक्शा होगा, वो 2,00,000 में जाएगा तो गरीब कहां से चलाएगा। मैंने कहा ऐसे निर्णय नहीं होंगे, हम गरीब के हित में निर्णय करना चाहते हैं। हमने 16 से 17 उसमें स्टैंडर्ड्स निश्चित किए और उसकी अथॉरिटी बनाई और ई रिक्शा की जो एसोसिएशन थी उनको एक टेक्निकल हमने एक प्रोटोटाइप डिजाइन की मान्यता दी और कहा हर रिक्शा को आप चेक करिए और फिर उसको मान्यता दीजिए। तो हमने इसमें सुरक्षा के लिए कोई ये नहीं किया है। अब प्रश्न ऐसा है कि ये अभी दिल्ली में, अभी कोई कह रहे थे भी वो चले गए कि राजनीति के लिए हमने लाया। अभी इसमें तो कोई राजनीति की बात अगर होगी, कोई अच्छा काम करेगा तो उसको उसका फायदा मिलेगा। पर मुझे बताइए कि आज दिल्ली में हाईकोर्ट ने इसको बंद करने के बाद अगर ये जो आज मेरी जानकारी से 40,000 लोगों को लाइसेंस मिला है, दिल्ली सरकार ने दिया है, इनका सबके रिक्शे पुलिस स्टेशन में बंद थे, सड़ रहे थे, किसी के चक्के चोरी में गए, किसी के और कुछ सामान चोरी हो गई और हमारे हाईकोर्ट ने उसको प्रतिबंधित किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, माल को जब्त कर दिया। अब मुझे बताइए इन गरीबों को तुरंत मदद करना ये आवश्यक नहीं था क्या? इसके बारे में हमने, मैं आपसे आभारी हूं कि हमने पार्लियामेंट में बिल लाया। बिल लाने के लिए दुनिया भर में इतनी अड़चने आई, इतने कानूनी सलाह आए कि मैं भी एक समय बहुत त्रस्त हुआ, पर हर जगह ओवरलूल कर करके आखिर ये बिल आया, आप लोगों ने एक मत से मंजूर किया। अब एक मत से मंजूर करने के बाद हम राज्यसभा में गए। अब मैं इस बात पर जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं कि राज्यसभा में ये क्यों नहीं मंजूर हुआ। जब यूनानिमस पार्लियामेंट ने मंजूर करने के बाद अगर राज्यसभा में मंजूर होता तो ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं ऑर्डिनेंस नहीं निकालता तो ये जो पुलिस स्टेशन में बंद ई रिक्शा थे, गरीबों के लाख लोग, इन्होंने लाख की आंकड़ा बताया अभी मीनाक्षी जी ने, इनके रिक्शे वहां सड़ रहे थे, इनको न्याय नहीं मिलता, इनको रोजी रोटी नहीं मिलती, इनका धंधा तुरंत शुरू हो जाए इसके लिए हमने ऑर्डिनेंस निकाला। अगर राज्यसभा में मंजूर होता तो ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑर्डिनेंस के ऊपर आपने आपत्ति उठाई कि ऑर्डिनेंस में है, अब वहां जब हमने ऑर्डिनेंस सबमिट किया तो वापस लेने की मंजूरी की परमिशन लगती है। अब ये तो हम वापस लेने की भी मंजूरी नहीं देंगे, नया ऑर्डिनेंस भी लाने नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम लोग कानून को बंद कर देंगे, 17,000 लाइसेंस वाले रिक्शे वालों को बंद कर देंगे, हम उनका काम धंधा बंद कर देंगे, उनको रोजी रोटी बंद कर देंगे, ये उचित होगा क्या? आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि ये उचित नहीं होगा। इसलिए फिर से मैं आपके पास आया और फिर से ऑर्डिनेंस, क्योंकि अभी अधिवेशन में 6 सप्ताह के अंदर अगर ऑर्डिनेंस के बारे में अगर फिर से मैं नहीं आता तो फिर से कानून कैंसिल होता है, फिर से कैंसिल होता, फिर पुलिस वाले सब रिक्शे वाले जब्त करते। और देश का सवाल ही है, उत्तर प्रदेश की सरकार लाइसेंस और ये जो रिक्शा का जो लाइसेंस है इसके बारे में एक बड़ी योजना बना रही है। बंगाल में
हमारे बंगाल के सदस्य यहाँ बैठे, बंगाल में अनेक शहरों में इसके लिए लोग अभी वहाँ इसका उपयोग करने वाले हैं। ये कोई मुंबई और जहाँ बहुत नरीमन पॉइंट पर या दिल्ली के नई दिल्ली की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, पर छोटे छोटे गांव में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, नगर परिषदों में ऑटो रिक्शा अगर 50 रुपये 60 रुपये मांगता है तो ये रिक्शा वाला 15 रुपये में जाता है। अब आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसके लिए एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। अभी राज्य सरकार के पास विषय और हमने रिकमेंड किया है कि इसके जो ई रिक्शा स्टैंड बनेंगे उसके ऊपर सोलर पैनल अगर बैठेंगे तो फ्री ऑफ चार्ज ई रिक्शा का चार्जिंग होगा। और मुझे लगता है कि मैं आपके मार्फत सभी सांसदों को अनुरोध करूंगा कि ये गरीब के लिए नगर परिषदों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो कोई चौराहे पर अगर स्टैंड बनाती है और वहाँ सोलर पैनल तैयार करते हैं और वहाँ आकर हेयर रिक्शे वाला अगर उसको फ्री ऑफ चार्ज चार्ज करता है तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। इलेक्ट्रिक की कॉस्ट और पेट्रोल की कॉस्ट इसमें बहुत फर्क है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये योजना राज्य सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद में अगर होती है तो आप, मैं सम्माननीय संसद के सदस्यों को एक अनुरोध करता हूँ कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार की अगर योजना आती है तो आप जरूर इनिशिएटिव लीजिए, हमारी सरकार इसको सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन की। अब पोल्यूशन में ऐसा है कि पेट्रोल के कारण 95% ये पेट्रोल डीजल के कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही डेंजरस है। हमारे देश में हम लोग अभी भी प्रदूषण के कारण हम कितनी तकलीफें सहन कर ये समझ नहीं पा रहे, और इसलिए इस देश को स्वच्छ भारत भी करना चाहिए और प्रदूषण मुक्त भारत करना चाहिए। सन्मान्य सदस्यों ने सुझाव दिया, ये बिल्कुल सही है कि इस देश में 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल गैस आयात होता है, और मेरे विभाग ने निर्णय किया है कि इसके बाद हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करेंगे, बायोडीजल, इथेनॉल, बायोगैस और इलेक्ट्रिक पर हमारे व्हीकल को लाएंगे, और ये संभव है। मैं नागपुर से हूँ और मैंने इसमें 5 साल से काम किया है। हमारा पहला शहर है देश में कि मैंने जब कहा था तो लोग मुझे हंस रहे थे, हमने हमारे शहर में टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच दिया महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए रिसाइकलिंग करके, तो लोगों ने बहुत तारीफ की और जेएनआरएम में भी उसके कारण ही वो प्रोजेक्ट हुआ। पर बाद में मेरे ध्यान में आया कि उसमें गलती हुई, क्योंकि हमने पानी तो दे दिया पर गैस भी चला गया। अब उस गैस को, मीथेन को हम उसमें निकाल रहे हैं, और मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG तैयार करके नागपुर में 200 बसेस हम बायो CNG पर चला रहे हैं। अभी उसका प्रपोजल तैयार हुआ है और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड भी आ रहा है। जैसे जो बसें से जो डीजल को चलती है इससे लेड पोल्यूशन होता है, और हमारी सरकार चाहती है कि पूरे देश में हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस इलेक्ट्रिक पर चले, हाइब्रिड हो, बायोफ्यूएल पर चले, इथेनॉल पर चले, बायोडीजल पर चले। मैं इस सदन को आज खुशी से एक बात बताना चाहता हूँ कि आज ही मैंने डिक्लेयर किया कि बंगाल का जो हल्दिया पोर्ट है वहाँ हमारा पाम ऑयल इंपोर्ट होता था। मैं वहाँ पहले भेंट देने के लिए गया तो मैंने पोर्ट के चेयरमैन को कहा कि ये जो पाम ऑयल की इंडस्ट्री कितनी है, इमामी करके कोई कंपनी थी, मैंने कहा इसमें से जो 5% रेसिड्यू निकलता है इसका बायोडीजल तैयार करिए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही कि वहाँ 3 लाख लीटर बायोडीजल तैयार हुआ और हल्दिया पोर्ट का पहला रेलवे इंजन बायोडीजल पर चलना शुरू हो गया। और आज ही मैंने ऑर्डर दिए कि 3 लाख लीटर डीजल है, अब यहाँ कोई इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का डीजल पोर्ट में नहीं आना चाहिए, ये ग्रीन पोर्ट बनना चाहिए। यहाँ की ट्रक, यहाँ की जीप, यहाँ का मशीनरी और यहाँ की रेलवे अब बायोडीजल पर चलनी चाहिए। हमारे देश में अब इसके लिए पोल्यूशन मुक्त देश करना है और ऐसा हो सकता है, और इसलिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ तक RTO के नियम के बारे में भी आपने उल्लेख किया है, ये बहुत लोग बहुत चर्चा करते हैं, 30% बोगस लाइसेंस निकले। आपने सही कहा सुरक्षा का सवाल। अब ये तो ऐसा है कि कोई ड्राइविंग टेस्ट देता ही नहीं। अभी इसका प्रचार कर रहे कुछ लोग कि हम लोग राज्य सरकार के अधिकार ले रहे, क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके दुकानें अब बंद होने वाली है, तो वो चिढ़ गए, नाराज हुए। अब कंप्यूटर टेस्ट लेगा और कंप्यूटर पास या नापास डिक्लेयर करेगा, और वो पत्र डिपार्टमेंट में जाने के बाद 3 दिन के अंदर अगर सरकारी अधिकारी ने अगर लाइसेंस नहीं दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये प्रयोजन की है। और हम 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स देश के बेरोजगार युवाओं को खोल देंगे जो ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस लेंगे, और कम से कम इस माध्यम से 3.5 लाख से 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम होगी।
ये जो एक्ट है हमने तैयार किया है, जिसकी चर्चा आज ज्यादा करना उचित नहीं होगा, ये अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, वर्ल्ड बैंक सबकी सलाह हमने लिया है। पूरी सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम देश में 5 लाख के ऊपर के शहरों में लाने का निर्णय किया है। एक्ट हमारा इसी पार्लियामेंट के सेशन में लाकर आप सबकी अनुमति को लेकर अगर एक्ट अगर होगा तो मैं विश्वास के साथ बताता हूँ पूरा भ्रष्टाचार तो नष्ट होगा, ये तो दावा मैं कर नहीं सकता, पर 95% आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग होगा, ये आप जरूर विश्वास रखिए। मैं फिर से एक बार मानवीय दृष्टिकोण से, पोल्यूशन के दृष्टिकोण से, अब एक मध्यम वर्गीय की बात की थी सम्मान्य सदस्य ने, वो भी सही है। आप दिल्ली के स्टेशन पर उतरते, ऑटो रिक्शा 75 रुपये मांगता, 60 रुपये मांगता, ई रिक्शा 10-15 रुपये में ले जाता, तो जो चलने वाले हैं, जो मेट्रो से आते, उनको फायदे का है। तो और पोल्यूशन भी नहीं है, प्रदूषण से भी मुक्त है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें आप सुरक्षा के सभी बातों की चिंता हमने की है। इसके डिज़ाइंस को प्रोटोटाइप डिज़ाइन में तैयार किया है, इसके क्वालिटी के बारे में ध्यान रखा है, पर एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए इसकी भी चिंता करें, आपने सही कहा। और मैं इसमें इस विभाग का मंत्री होने के बाद आपके सामने इस बात को मान्य कर रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है कि रोड डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में जो गलतियां हुई है उससे भी बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और मैंने हमारे NHAI को कहा, वो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, मैंने बोला सरकार के बजट से पैसे देंगे, अब एक भी आदमी मरेगा तो आपको जिम्मेदार पकड़ूंगा, याद रखो ये नहीं चलेगा। इस देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मरते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, तो देश का नाम पहले क्रमांक पर हिंदुस्तान का आता है। हम इसको सुधारना चाहते हैं, और नया एक्ट आने के बाद और ट्रैफिक, अब ये दिल्ली की बात हुई, मैं सम्मान्य सदस्यों को, बिल्कुल आपने सही बात कही, दिल्ली में अभी तक मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते पुराने सरकार का कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं रोज एयरपोर्ट से आता हूँ, वो धौला कुआ के पास रोज पौन घंटा मेरा जाता, रोज मैं सर पे हाथ पीटता हूँ कि मेरा समय खराब हो गया, मैं यहाँ लेट आता हूँ जब हवाई जहाज से आता हूँ। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को पूछा कि आपके यहाँ दिल्ली में ट्रैफिक का जो जाम होता है इसका अध्ययन किया गया है क्या? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर ये हमारा काम नहीं, ये दिल्ली के सरकार का काम है। मैंने कहा ये ऐसा जवाब मुझे मत दीजिए, जो ट्रैफिक रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार की संस्था है उसके प्रमुखों को मैंने बुलाया, ये दिल्ली का कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ये कोई रिपोर्ट आज तक है, उनको 10 करोड़ रुपए का उनने बिल दिया। मैंने कहा हमारे कानून में बैठता या नहीं बैठता मुझे मालूम नहीं, अपने डिपार्टमेंट से 10 करोड़ दो और दिल्ली के ट्रैफिक का पूरा स्टडी करो, एक्सीडेंटल स्पॉट को सुधार करो, और जाम हो रहा है उसको सुधारने का काम करो, और दिल्ली सरकार को हम रिपोर्ट देंगे, 10 करोड़ हम खर्चा करेंगे। आपने कहा कि भाई आसाम में कोई होता तो आप लाते क्या? दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। आप क्यों चिंता करते इस बात की? हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आए हैं, एक एक रेलवे के गाड़ी में चाय बेचने वाले का काम उन्होंने किया है, और मैं भी कोई दिल्ली के आप भी आए, और मैं भी दिल्ली के राजनीति में कोई बायोडाटा देकर मैं नहीं आया हूं, मैं जमीन पर रोड पर आज भी काम करने वाला हूं, फुटपाथ पर खाने वाला हूं। अब मुझे अड़चन आती, झेड़ प्लस सुरक्षा है, तो जब मैं फुटपाथ पर खाता हूं तो पुलिस वाले खड़े होते, इसलिए अड़चन आ गई। पर मैं ये मानता हूं कि गरीब की बात पहले होनी चाहिए देश में, गरीब को पहला अधिकार है, उसके लिए पहले निर्णय होना चाहिए, और आपने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं। हमारे समाज कल्याण विभाग ने, जिसमें थावरचंद गहलोत जी हमारे मंत्री है और नजमा हेपतुल्ला जी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है, यहाँ है, उन दोनों ने ई रिक्शा के लिए 4 और 3% के ब्याज से ई रिक्शा को देने के बारे में योजना जाहिर की है, और हम इनको देंगे। और आपको बात बताता हूँ, मैंने अपने शहर में ये आ रहे 29 मार्च को ये ई रिक्शा, मैं आपको आह्वान करूँगा कि आपके क्षेत्र के जो विकलांग है, मैंने एक को अभी दिया देने का कार्यक्रम करने वाले, दोनों पैर टूटे हैं, और उसको हम ई रिक्शा चलाने के लिए, जो अपंग है उनको प्राथमिकता से दो, महिला भी ई रिक्शा चला सकती है, उनको भी लाइसेंस देने के बारे में हमने निर्णय किया है। और इसलिए आपकी और एक बात अच्छी आपने कही
कि 0% इंटरेस्ट से इनको देना चाहिए और विदाउट गारंटी देना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं। और ये इतने पैसे से 70,000-80,000 कोई सरकार का कोई कमी नहीं होती, हजारों करोड़ के बजट होते हैं, ये कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये निवेदन दिया कि भाई इस बार 0% इंटरेस्ट से आप ई रिक्शा के लिए योजना तैयार करो दीनदयाल ई रिक्शा के नाम से। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी अभी यहाँ नहीं है, पर निश्चित रूप से आने वाले समय में ई रिक्शा चलाने वाले, ई कार्ड करने वाले जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों का ये विषय है। हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले गरीब आदमी की चिंता करेगी और इसके लिए योजना लाएगी, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। आप सब सभी पार्टी के सम्मान्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। अरे सर, मैं आपसे प्रातः ई रिक्शा चलाने वाला कारपोरेट वाला थोड़ी है, ई रिक्शा चलाने वाले जो लोगों के लिए हमने, देखो आप नाराज मत होइए, पर ये इतने दिनों से ई रिक्शा चल रही थी, यूपीए की सरकार 10 साल थी, क्यों नहीं कोई कानून बना, क्यों नहीं कोई कानून बना? ये हमारी सरकार आने के बाद गरीबों के हितों के लिए ये निर्णय किया है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका भी सहयोग चाहिए और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये कारपोरेट को मदद करने वाली सरकार नहीं है। हम गांव, गरीब, किसान, मजदूर में काम करते हैं। हमारी सरकार गरीबों के हितों के लिए काम करेगी और ई रिक्शा वाले सभी 1 करोड़ गरीब लोगों को राहत देने वाली योजना तैयार करेगी, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार, हाँ एक बात जरूर है कि हमने गरीबों के लिए काम करने के बाद शायद कुछ लोगों को सहन भी नहीं होता और बोल भी नहीं सकते, ऐसी अवस्था हो सकती है, उसके लिए मेरा दोष नहीं है, पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि ई रिक्शा के द्वारा देश के 1 करोड़ गरीबों के लिए ई कार्ट और ई रिक्शा का ये योजना हम यशस्वी रूप से ले जाएंगे। और आपने जो भी सुझाव देंगे वो सुझाव का फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को मैं जरूर इस बात की चर्चा करूंगा। फिर से एक बार आप इसको मंजूर करिए, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।